रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में जैविक हथियारों की मौजूदगी के आरोप लगाने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने उन्हें खारिज कर दिया है। यूक्रेन के जैविक हथियारों को लेकर दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यूक्रेन संबंधी तीसरी बैठक में भी भिड़ गए। रूस का पहला कहना है कि यूक्रेन में अमेरिकी समर्थन से जैविक हथियार गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जबकि पश्चिमी देशों ने इन आरोपों को गलत सूचना और मनगढ़ंत कहकर नकार दिया। इस बीच पुतिन ने वल्दाई डिस्कशन क्लब की वार्षिक बैठक में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया खतरनाक दौर में है। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे खतरनाक दशक में होने के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध को नहीं बल्कि पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के वैश्विक प्रभुत्व का पतन हो रहा है और इसे रोकने के लिए सभी देश हाथापाई कर खूनी खेल खेल रहे हैं, जिससे अराजकता पैदा हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष भड़काने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा टकराव के बावजूद रूस पश्चिम को अपना शत्रु नहीं मानता। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वसीली नेमेंजिया ने कहा कि हम अपने इन आरोपों को संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने को तैयार है कि यूक्रेन जैविक हथियारों के उपयोग पर पाबंदी लगाने वाले समझौते का उल्लंघन कर रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस की बमबारी के कारण यूक्रेन भर में 40 लाख लोग बिजली कटौती से प्रभावित हुए हैं।